हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, लास्ट वीडियो हमने 11 चैप्टर का 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और अब कुछ ही क्वेश्चन और हैं, इनको और कर लेते हैं हम, ताकि हमारा कुछ भी नहीं छूटे, एग्ज़ाम में कुछ भी आपके आ सके। तो चैप्टर तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बस आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है रिवाइज करना है, ठीक है। तो एक दो बार वीडियो आप देखेंगे तब भी आपको ये रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें 56 क्वेश्चन, मेजर शैतान सिंह युद्ध के समय सेना की किस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे? मेजर शैतान सिंह युद्ध के समय सेना की किस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे? तो वह चार्ली कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, जो कि 120 जवानों की थी। नेक्स्ट देखें, शिक्षा संत के नाम से प्रख्यात स्वामी केशवानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? शिक्षा संत के नाम से प्रख्यात स्वामी केशवानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1883 में सीकर जिले के मंगलूड़ा गांव में हुआ था। स्वामी केशवानंद का बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था बीरमा। याद रखिए, स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? बीरमा। किससे प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने 1921 से 1931 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए? तो ये किससे प्रभावित हुए थे? महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे। किस मिडिल स्तरीय विद्यालय को स्वामी केशवानंद ने महाविद्यालय के स्तर तक पहुंचा दिया था? तो इन्होंने संगरिया के जाट विद्यालय 1932 में जो है इसका संचालन प्रारंभ किया था, और इसको जो है मिडिल स्तर स्कूल से कहाँ पहुंचा दिया था? महाविद्यालय के स्तर तक। बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं, वाचनालय आदि किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो शिक्षाविद जो स्वामी केशवानंद थे, उनके द्वारा जो है बीकानेर के रेगिस्तानी इलाके में पाठशालाएं खोली गईं, वाचनालय खोले गए। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को। पंडित झाबरमल शर्मा को क्या कहते हैं? पत्रकारिता का भीष्म पितामह। पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाने वाले झाबरमल शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 1880 में जसरापुर में हुआ। झाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? तो दुर्गा प्रसाद मिश्र ने 1905 ईस्वी में दी थी। झाबरमल शर्मा द्वारा प्रमुख संपादित पुस्तकें कौन सी हैं? तो इनकी जो पुस्तकें हैं वह हैं, देखिए, सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता, रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा और भारतीय गोधन, ठीक है। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रधार किसे माना जाता है? अणुव्रत आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है आचार्य तुलसी को। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो इनका जन्म जो है नागौर जिले के लांडनू गांव में हुआ। लांडनू गांव पूछा जाता है, याद रखिए, लांडनू गांव से संबंधित हैं आचार्य तुलसी। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1914 को हुआ था। नेक्स्ट है, किस उम्र में आचार्य तुलसी को तेरा पंथ संघ का नवा आचार्य बनाया गया? तो किसे बनाया गया था तेरा पंथ संघ का नवा आचार्य? तो वह आचार्य तुलसी थे। तो उस वक्त उनकी उम्र 22 वर्ष की थी। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश है आचार्य तुलसी का। नेक्स्ट देखिए, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किस उद्देश्य से और कब किया? तो इन्होंने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात नैतिकता उत्थान के लिए किया 1949 में। इसके लिए 1,00,000 किलोमीटर की इन्होंने पदयात्रा भी की थी। जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कोमल कोठारी को। कोमल कोठारी का जन्म कब और कहाँ हुआ? कोमल कोठारी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ था। शिल्प गुरु के नाम से विख्यात व्यक्ति कौन थे? शिल्प गुरु के नाम से विख्यात व्यक्ति थे कृपाल सिंह शेखावत। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो है 1922 को मऊ गांव सीकर में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कि सीकर में जन्म हुआ था कृपाल सिंह शेखावत का। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत, इनके नाम के आगे शिल्प गुरु बार बार इसलिए लगाया जा रहा है ताकि आपको जो है याद रह सके कि कृपाल सिंह शेखावत कौन है, शिल्प गुरु। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस कार्य के लिए विख्यात हुए थे? तो यह ब्लू पॉटरी पर चित्रांकन हेतु
जो है विख्यात हुए थे। ब्लू पॉटरी के बारे में आप सब जानते हो, ये मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, ब्लू पॉटरी पर चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी पर चित्रांकन हेतु किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था? तो इनको जो पुरस्कार मिला वह था पद्मश्री 1974 में। प्रसिद्ध गजल गायक जिन्हें 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया, कौन थे? तो देखिए, हाल ही की जो घटना होती है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि आपको जो है इसके बारे में नॉलेज है या नहीं है, आपकी बुक में है, नई बुक है। तो याद रखें, जगजीत सिंह जो कि गजल गायक, और इन्हें 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है गंगानगर में हुआ था, सिख परिवार में, 8 फरवरी 1941 को। तो राजस्थान से संबंधित हैं तो आपको याद रखने हैं। गजल गायक जगजीत सिंह का निधन कब हुआ? तो इनका जन्म 10 अक्टूबर 2011 को हुआ था। पत्रकार कर्पूर चंद कुलिश का जन्म कब और कहाँ हुआ? पत्रकार कर्पूर चंद कुलिस का जन्म जो है 20 मार्च 1926 को सोड़ा गांव टोंक में हुआ था। कर्पूर चंद कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत कब की थी? कर्पूर चंद कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत कब की थी? तो इन्होंने 1951 में की थी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान पत्रिका की शुरुआत सांध्यकालीन दैनिक के रूप में कब और किसने की थी? राजस्थान पत्रिका की शुरुआत सांध्यकालीन दैनिक के रूप में कब और किसने की थी? तो वह कर्पूर चंद कुलिस ने की थी। और कब की थी? 7 मार्च 1956 को की थी। अगला देखिए, 83 क्वेश्चन है, मैं देखता चला गया नामक श्रृंखला जिसे राजस्थान के ग्रामीण जनजीवन और सामाजिक व्यवस्था का प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई? तो यह कर्पूर चंद कुलिस ने 1975 के आपातकाल के समय लिखी। कर्पूर चंद कुलिस द्वारा डूनाड़ी में किस नाम से नियमित कॉलम लिखा? कर्पूर चंद कुलिस द्वारा डूनाड़ी में किस नाम से नियमित कॉलम लिखा? तो वह पोलम पोल। संगीतकार पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? संगीतकार पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ था जयपुर में 12 जुलाई 1950 को। पंडित विश्व मोहन भट्ट को विख्यात ग्रेमी पुरस्कार मिला, कब प्राप्त हुआ ये? 1994 में हुआ। गिटार में सितार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। गिटार में सितार, सरोद और वीणा, इसके 14 अतिरिक्त तारों के मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गिटार में सितार, सरोद और वीणा, 14 अतिरिक्त तारों के मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार करने वाले थे पंडित विश्व मोहन भट्ट। ग्रेमी पुरस्कार इनको मिला। जयपुर फुट का जनक किसे कहा जाता है? जयपुर फुट का जनक कहा जाता है डॉक्टर पी के सेठी। डॉक्टर पी के सेठी द्वारा निर्मित जयपुर फुट क्या है? तो फुट से ही हम याद रख सकते हैं, पैरों से संबंधित है। 1969 में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से दिव्यांगों हेतु निर्मित नकली पैर के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी इन्हें पुरस्कार मिला। जयपुर फुट के आविष्कार हेतु डॉक्टर पी के सेठी को कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो इनको देखिए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वी सी राय सम्मान, पद्मश्री अवार्ड, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार, ठीक है। तो जयपुर फुट के आविष्कार कौन है? डॉक्टर पी के सेठी। तो इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर वी सी राय सम्मान, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार, इनसे इनको सम्मानित किया गया। तो यहाँ आपका ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीट होता है। बहुत अच्छे से जो है इनको लर्न करिएगा, 2-3 बार वीडियो आप सुनेंगे तो ये आपको जो है वो याद हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर जो है वो आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।